नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपर न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। नागपुर में संडे पूर्ण लॉकडाउन में अवैध शराब खपाने शहर में लाई जा रही अंग्रेजी शराब को आबकारी विभाग ने किया जब्त। आपको बता दें कि लगातार अवैध शराब तस्करी और उसमें लिप्त आरोपियों को लेकर आबकारी विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, जहाँ कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग के कंट्रोलर घनसूलाल ने बताया है कि आज सुबह मुखबिर से सूचना मिली कि संडे को पूर्ण लॉकडाउन को लेकर अवैध शराब के विक्रय के लिए शराब की खेप जबलपुर लाई जा रही है। वहीं सूचना पर तत्काल कार्रवाई हेतु बारंगी टोल नाके में चेकिंग पॉइंट लगाकर आने वाले हर वाहन की तलाशी ली जा रही थी। वहीं जब आई 20NP20CD4160 कार को रोककर तलाशी ली गई तो उसमें 7 पेटी अंग्रेजी शराब पाई गई, जिसे जब्त करके आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपी से प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि अवैध अंग्रेजी शराब सिवनी से जबलपुर किसी पटेल के यहां लाई जा रही थी। वहीं आरोपी के बताए अनुसार उस व्यक्ति की तलाश की जा रही है। हाँ, आज सुबह सुबह जो है तो एक बर्गी टोल नाके पे एक I-20 कार को रोक कर चेकिंग के दौरान जो है तो उसे 7 पेटी के आसपास विदेशी शराब पकड़ा गया है। जब भी ये देखा गया है कि शहर में जब भी वीकली लॉकडाउन होता है, अभी फुल लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे अनलॉक किया गया है, परंतु संडे को जो है तो लॉकडाउन अभी भी जारी है। और जब भी संडे को लॉकडाउन जारी है तो शराब की दुकानें बंद रहती हैं, और इस दौरान जो है तो संडे के लिए स्मगलिंग बढ़ जाता है। लोग शुक्रवार और शनिवार के आसपास काफ़ी माल शहर में लेके आते हैं। इसी प्रक्रिया में जो है तो हमने सुबह वाहन चेकिंग लगाई थी और 7 पेटी माल पकड़ा गया है, जिसकी कितने आरोपी गिरफ्तार, गाड़ी में वाहन चालक था, अभी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। माल की कीमत कितनी? माल की कीमत लगभग 80,000 रुपये है। सर, ये माल कहाँ से ला रहा था? आरोपी का कहना है कि वो माल सिवनी से लेकर आ रहा था और शहर में किन्हीं किसी पटेल को देने जा रहे थे, जिससे भी पूछताछ की जानी है।